चार जितनी वर्किंग वुमेन हैं और बैचलर्स है ना, वो मुझे थैंक यू बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ जो थोड़ी आसान करने जा रही हूँ मैं आज। कैसे? आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करके जो एक नहीं अनेक डिशेस बना सकती है बस मिनटों में। क्या है ये रेसिपी? एक ऐसी ग्रेवी जिसके साथ आप 50 प्लस डिशेस बना सकते हैं। राजमा, छोले, मटर पनीर, आलू मटर, आलू गोभी, नॉन वेज, कोफ्ता करी, यानी कुछ भी। और सोने पे सुहागा, आप इसे 6 मंथ्स तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस रेसिपी को 50 अलग अलग डिशेस में कैसे यूज करना है, तो चलिए वो भी आज आपको करके दिखा दूंगी। कुछ ऐसी डिशेस के साथ जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। यानी पहले तो आपको ग्रेवी बनाना सिखाऊंगी, फिर उस ग्रेवी के साथ 5 अलग अलग डिशेस बनाकर दिखाऊंगी। तो फिर शुरू करें। अगर आपको लगता है कि सेम ग्रेवी से डिशेस बन रही हैं, तो कहीं हर डिश का टेस्ट सेम तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो जाएगा। हर डिश का रूप और फ्लेवर दोनों बिल्कुल अलग होगा। अब इस ग्रेवी को प्रिपेयर करने के लिए ना बेसिकली 2 स्टेप्स हैं। एक तो भाई पहले आप अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर लेंगे और ग्रेवी का बेस बना लेंगे, और उसके बाद उस ग्रेवी को फिनिश करके रखेंगे ताकि वो लंबे समय तक स्टोर कर सके हम। और इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 4 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस प्याज को बहुत महीन काट लीजिए। देखिए, इसे ना हम कद्दूकस करेंगे ना हम इसे मिक्सी में पीसेंगे, फाइन चॉपिंग करनी है। अगर आप इतनी फाइन चॉपिंग ना कर पाए तो बस एक वो छोटा सा वो जो डोरी वाला चॉपर आता है ना, उसका इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया चॉपिंग करता है और जितनी फाइन चॉपिंग हमें चाहिए इजीली उससे वो चॉपिंग हो भी जाती है। तो लीजिए भाई, प्याज की भी चॉपिंग डन। अब पहले एक काम करते हैं और वो ये कि यहाँ पर हम एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं इस प्याज को भूनने के लिए। और अब कढ़ाई में ले लेंगे सबसे पहले तेल। देखिए, जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, तेल वो चुनिए जो हो हल्का फुल्का, एकदम लाइट। जैसे मेरा इमामी हेल्दी एंड टेस्टी अल्ट्रा लाइट, जो एकदम हल्का फुल्का रहता है, चिपचिपाता नहीं है और इसी के साथ साथ बिल्कुल लाइट है, ताकि मेरी सारे मसालों का और वेजिटेबल्स का फ्लेवर उभर कर आए। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 कप तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा डालूंगी इसमें कुछ गर्म मसाले, 2 से 3 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, इसी के साथ 7 से 8 लौंग, 4 से 5 छोटी इलायची, 1/2 छोटा चम्मच शाह जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, और इसी के साथ साथ ये बारीक कटा हुआ प्याज भी। तो जब तक ये प्याज यहाँ पर भूनता है ना, हम एक काम और करेंगे, और वो ये कि 4 से 5 हरी मिर्च और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इनको भी फाइन चॉप करके रख लेंगे। अब अक्सर होता क्या है कि रेस्टोरेंट्स में ना बेस ग्रेवीज बना करके रख ली जाती हैं। देखिए, एक तो होती है वहाँ पर एक वो मक्खनी ग्रेवी, जिससे चाहे आप पनीर मक्खनी, बटर चिकन या दाल मक्खनी जब ऑर्डर करते हैं ना, तो उसे तुरंत फिनिश करके ले आया जाता है। एक होती है वो वाइट ग्रेवी, जिसमें कभी शाही पनीर या फिर कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, है ना, वो सारी चीज़ें फिनिश करके ले आई जाती हैं। और एक होती है एक बेसिक चॉप मसाला की ग्रेवी, जिससे सारी सूखी सब्जियाँ, दाल के तड़के, बैंगन का भरता, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके तुरंत के तुरंत आपके सामने सर्व कर दी जाती है। तो बेस ग्रेवीज प्रिपेयर करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो रेस्टोरेंट्स में कुकिंग टाइम होता है ना, वो कम हो जाता है। तो आज हम भी वही कर रहे हैं, एक ऐसी बेस ग्रेवी बना ले रहे हैं, जिससे जैसे मैंने आपको बताया कि एक नहीं कम से कम 50 डिशेस तो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। और इसके 5 एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपसे कहा था, एंड में आपको जाकर ज़रूर दिखाऊंगी, तो वो ज़रूर देखिएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब देखिए, ये जो अनियन है हल्का हल्का गुलाबी होने लग गया है, ट्रांसलूसेंट पिंक, तो इसमें ऐड कर दूंगी अब ये बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक, और इसे तब तक हम सौते कर लेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अब ये काम ना हमको बहुत धीमी गैस पे करना है, ताकि लंबे समय तक
प्याज को पकने का मौका मिले। देखिए होता क्या है कि अगर आपने इसे तेज आंच पे पकाया ना तो प्याज का पानी सूख जाएगा, और अगर प्याज का पानी सूख जाएगा तो वो अच्छे से पकने और गलने की जगह जल्दी ही ब्राउन होने लग जाएगा। और हमें चाहिए एक ऐसी ग्रेवी जिसमें प्याज अच्छे से पका हुआ हो। अब टमाटर, कितने टमाटर हैं? देखिए चार प्याज के साथ अगर बड़े टमाटर हैं तो 8 लेंगे, और अगर ऐसे छोटे टमाटर हैं ना तो कम से कम आप 10 टमाटर ले लीजिएगा, और इनको भी इसी तरीके से हम फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में पीस करके इसका पेस्ट जरूर बना सकते हैं। टमेटोज डन। इसी के साथ साथ एक मसालों का पेस्ट भी मैं तैयार करके यहाँ पर रख लूंगी। पेस्ट के लिए मुझे चाहिए होंगे सूखे मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी। देखिए मैं जो भी आपको सजेस्ट करती हूँ ना, पहले खुद उसको इस्तेमाल करके देख लेती हूँ, तब उसे आपको सजेस्ट करती हूँ। जैसे कि ये मंत्रा की हल्दी जो क्रायो टेक्नोलॉजी से पिसती है, जिसकी वजह से इसकी रंगत और फ्लेवर दोनों बरकरार रहता है। एक चम्मच हल्दी, इसी के साथ एक चम्मच जीरा पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब 1/4 कप पानी के साथ इन मसालों का मैं एक पेस्ट बना लूंगी। अब देखिए ये अनियन धीरे धीरे पकते पकते कितना रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें वो गोल्डन कलर नहीं आया है, इसीलिए हमको इसको धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से रिड्यूस हो जाए। अब देखिए अब आ गया इसमें वो गोल्डन कलर। अब ऐड करेंगे हम इसमें ये मसालों का पेस्ट। मसालों को ऐसे पानी में भिगो करके डालने से फायदा जानते हैं क्या होगा कि एक तो ये मसाले फूल जाएंगे, और दूसरा भूनते वक्त ये जलेंगे नहीं, और क्योंकि ये फूल चुके हैं इन्हें भूनने में भी हमें मिलेगा काफ़ी सारा समय, जिसकी वजह से जो हमारा जो पेस्ट हम बना रहे हैं ना ग्रेवी का, वो लंबे समय तक अच्छा बना रहेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और साथ ही साथ तेल भी ऊपर तैरने लग जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें चॉप किए हुए टमेटोज। अब इस टमाटर को भी हमको पका लेना है, तब तक जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता, पल्पी नहीं हो जाता, और इसी के साथ साथ तेल इसके ऊपर एक बार फिर से तैरने नहीं लग जाता। और इस काम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाए। तो नमक मुझे जितना इस मसाले के लिए चाहिए मैंने उतना ही ऐड किया है। देखिए जो भी डिश मैं बनाऊंगी इस ग्रेवी के साथ, आगे का नमक उस डिश के हिसाब से और उसकी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अभी इस डिश में एक चीज और जानी है, और वो है थोड़ा काजू का पेस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये 12 से 15 जो काजू हैं इनको ऑलरेडी भिगो करके रख लिया था। अब पहले इस काजू को हम थोड़े से पानी के साथ पीस लेंगे। ये भी हो गया, लेकिन इसे अभी नहीं हम ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी में, इसे हम तब ऐड करेंगे जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा और काफ़ी रिड्यूस भी हो जाएगा। अगर अभी इसे ऐड कर दिया ना तो जानते हैं क्या होगा, काजू का पेस्ट नीचे चिपकने लग जाएगा। हाँ, एक चीज़ अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं और वो है ये गार्लिक का पेस्ट। आपने नोटिस किया अभी तक हमने इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं ऐड किया था, तो 1 चम्मच ऐड करते हैं हम इसमें गार्लिक का पेस्ट और उसके साथ भी इसे पका लेंगे। ये देखिए अब टमाटर भी अच्छे से गल चुका है, आप देखेंगे टमाटर पूरी ग्रेवी में घुल मिल गया है, टमाटर आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। इस स्टेज तक इसे हमें कुक कर लेना है, और इसी के साथ साथ ये ऑयल भी इसके ऊपर अब तैरने लग गया है। इतना सारा ऑयल देख के आप घबराइएगा मत। अब आप दिस स्टेज ऐड कर देंगे हम इसमें ये काजू का पेस्ट। अब ये काजू का पेस्ट इस ग्रेवी को वो रेस्टोरेंट जैसी थिकनेस भी देगा और साथ ही साथ रिचनेस भी। वंस अगेन वी विल कुक इट जब तक कि तेल इसके ऊपर फिर से तैरने नहीं लग जाता। लीजिए भाई, हो गई हमारी बेसिक ग्रेवी तैयार, जिससे जैसे मैंने आपको बताया एक नहीं आप 50 तक डिशेस बना सकते हैं, और यही मैं आज आपको भी करके दिखाने वाली हूँ। इसी ग्रेवी के साथ 5 अलग अलग डिशेस,
50 का तो टाइम नहीं है ना हमारे पास, इसलिए। तो हमारी बेसिक ग्रेवी डन, अब इससे वो आपको 5 डिशेस मैं बना करके दिखाती हूँ। कौन कौन सी है वो डिशेस? एक तो है कढ़ाई पनीर, जो होगी एक लुटपुटी ग्रेवी में। दूसरी आलू मटर की सब्जी, जो होगी ड्राई ग्रेवी में। तीसरा कोफ्ता करी, जो होगी एक तरी यानी रस्से वाली सब्जी। छोले, जो बेस बनेंगे छोले और राजमा जैसी डिशेस के लिए। और इसी के साथ साथ एक नॉनवेज डिश भी, चिकन मसाला। अब कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और पनीर को ऑलरेडी क्यूब्स में कट करके रख लिया है। बस इसके लिए एक सूखा मसाला मैं और बनाऊंगी, कढ़ाई मसाला, जो मैं अपनी डिश में ऐड करूंगी। और उसके लिए मैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च के दाने, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून धनिया को पहले हल्का सा भून लूंगी। ये मसाले भी जब फ्रेग्रेंट हो जाएंगे और थोड़ा सा भूरा भूरा कलर ले लेंगे ना, गैस को कर देंगे बंद। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे जल्दी से मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे अपने हमाम दस्ते में और इसका एक कोर्स पाउडर बना लेंगे। डन। अब 250 ग्राम पनीर के लिए मैं अपने पैन में लूंगी केवल 1 लैडल यानी कि आधा कप ये ग्रेवी मिक्स, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा तेल भी। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये 1 चम्मच भुना हुआ मसाला, आधा कप टमेटो प्योरे, आधा कप पानी, और इसे पका लेंगे जब तक ये एक बॉईल पे नहीं आ जाता। ग्रेवी जब बॉइलिंग पे आ जाएगी तो ऐड कर देंगे इसमें हम ये पनीर के पीसेस, इसी के साथ साथ ये शिमला मिर्च और प्याज भी। ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इस ग्रेवी के साथ इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब नहीं कर लेती। वंस अगेन जब ग्रेवी पे आपको ऑयल फ्लोट करता दिखाई देगा तब ऐड करेंगे हम इसमें ये टमाटर, उसको केवल 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब गैस को करते हैं बंद और ये देखिए एक कढ़ाई पनीर जिसकी लुटपुटी ग्रेवी है, ये कढ़ाई पनीर की सब्जी हमने रेडी कर ली। फाइनली स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसी के साथ साथ ये जो मसाला हमने प्रिपेयर करके रखा है ये मसाला भी। देखा हो गई ना कितनी डिफरेंट फ्लेवर वाली एक कढ़ाई पनीर लुटपुटी ग्रेवी के साथ तैयार। अब बनाते हैं एक ड्राई वेजिटेबल आलू मटर। आलू मटर के लिए लूंगी मैं सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल अपने पैन में, और जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग। अब इसमें ये आलू और मटर ऐड करके ना मैं इसे सौते कर लूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि आलू और मटर थोड़ा सा भून जाए। अब इसमें ऐड करूंगी आधा लाडल ये प्रिपेयर किया हुआ ग्रेवी मिक्स यानी कि ओनली 1/4 कप ऑफ द मसाला। इसी के साथ साथ स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच सब्जी मसाला भी। और इसे पका लेंगे जब तक हमारा आलू नहीं गल जाता और सब्जी अच्छे से भून नहीं जाती। सब्जी भी बढ़िया से अच्छे से भून गई है और अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ थोड़ी सी धनिया काट करके रख ली है और ये धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और अब इसे सर्व कर लेंगे। और देखिए दूसरी हमारी वेजिटेबल जो है सूखी आलू मटर की सब्जी, वो भी रेडी हो गई सेम मसाले के साथ। अब तीसरी डिश बनाएंगे कोफ्ता करी, और उसके लिए कोफ्ते तो मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रिपेयर करके रख लिए हैं। हाँ, 1 लाडल फुल ऑफ ये जो मसाला है वो मैं अपने पैन में ले लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 कप पानी, 2 टेबलस्पून टमेटो प्योरी, स्वाद के अनुसार नमक, और इसे पका लूंगी जब तक ये बॉईल पे नहीं आ जाता। ग्रेवी जब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल हो जाएगी ऐड कर दूंगी मैं इसमें ये कोफ्ता और इसको केवल 2 मिनट के लिए पकाकर गैस को बंद कर दूंगी। ग्रेवी वाली सब्जी भी डन। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ जो है छोले मसाला। वंस अगेन अपने पैन में लेंगे 1 लाडल फुल ऑफ मसाला यानी कि
हाफ कप मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप चना, 1 चम्मच छोले मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी एंड वी विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। वंस दिस कम्स टू अ बॉयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसे थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा आप। चना थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिएगा ताकि ये ग्रेवी में थोड़ा सा घुल मिल जाए। अब फाइनली इसे फिनिश करेंगे थोड़ी कसूरी मेथी के साथ, और लीजिए भाई हो गए छोले मसाला या चना मसाला ये भी रेडी। ऐसे ही आप राजमा भी बना सकते हैं इस मसाले के साथ। हाँ, बस उसमें इमली के पल्प की जगह हम ऐड करेंगे टमेटो प्यूरी। लीजिए छोले मसाला भी डन। अब बढ़ते हैं अपनी 5th डिश की तरफ, जो 5th एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ, और वो है चिकन मसाला, एक नॉन वेज डिश। अब चिकन मसाला बनाने के लिए ना, यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 किलो चिकन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 कप दही। इसी के साथ साथ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर मैं मैरिनेट करके रख दूंगी तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। अब एक कढ़ाई में लेंगे हम 2 चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चक्री फूल और 2 से 3 हरी इलायची भी। अब ये चिकन इसमें ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे जब तक चिकन का जो पानी है वो सारा सूख नहीं जाता। चिकन भी जब थोड़ा भून जाएगा तो ऐड करेंगे इसमें ये प्रिपेयर किया हुआ हमारा ग्रेवी मिक्स, और इसी के साथ साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला भी। अब इस मसाले के साथ इस चिकन को बढ़िया से भून लीजिए। इसमें पानी डालने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि चिकन काफी पानी छोड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये नीचे चिपकने लग जाए और आपको लगे अभी चिकन अच्छे से गला नहीं है तो आप इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करके इसे ढक करके पका लीजिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या तब तक जब तक ये चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। चिकन जब थोड़ा गल जाएगा ऐड करूंगी मैं इसमें ये काली मिर्च 1 चम्मच, इसी के साथ साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी। फाइनली इसे फिनिश करेंगे 2 चम्मच क्रीम के साथ, और लीजिए हो गया तैयार हमारा चिकन मसाला भी। देखा, कहा था ना, एक ऐसी ग्रेवी जिससे आप बना सकते हैं 50 अलग अलग डिशेस, और 5 के एग्जाम्पल्स तो आज मैंने आपको दिखा दिए। अब आप भी ये 5ों की 5ों डिशेस, उससे पहले ये एक स्पेशल वाली ग्रेवी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे और कौन कौन सी डिशेस बनाई।